हेलो एवरीवन, कैसे हो? देखो, ये क्वेश्चन नीट में 2023 में आया हुआ है कि एक कार ट्रेवल कर रही है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी वी एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी टू वी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक कन्वेंशनल मेथड है वो ये है कि आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी बाई टू, डी बाई टू तो डी हो गया, राइट? और टाइम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से तो टाइम आ जाएगा, और ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको रफ़ी सर क्या बोलते हैं, माइंड से सॉल्व करना या दिमाग से, राइट? लेकिन एग्ज़ाम में बेटा अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, तो अब दिल से सॉल्व करना है। दिल से कैसे, तो ध्यान से समझो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, सब लोग जानते हैं, राइट? कि अगर मैं किसी नंबर का एवरेज करूँगा तो ऑलवेज वो जो एवरेज आएगा वो उसके मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच में आएगा, राइट? यहाँ पे वेलोसिटी वी है और एक वेलोसिटी टू वी है, तो एवरेज तो पक्का है कि वी और टू वी के बीच में ही आएगा, राइट? वी से छोटा नहीं हो सकता, टू वी से बड़ा नहीं हो सकता। ऑप्शन चेक करो बेटा, ये 3/4, वी से छोटा हो गया 1/3, वी से छोटा हो गया 2/3, वी से छोटा हो गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी, राइट? ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किए, ये नीट वालों ने किया। क्यों? क्योंकि नीट वाले को वैसे बच्चे चाहिए जो अलग तरीके से सोचते हो, राइट? उनका ये कभी भी मोटो नहीं होता कि वो आपसे कैलकुलेशन कराए, राइट? अब अगर सपोज करो कि सर इसमें दो ऑप्शन पॉसिबल होते तो कैसे करेंगे, तो फिर कैसे थिंक करेंगे, उसको रफ़ी सर ने ट्रिक्स नाम दिया है। बट वो ट्रिक्स नहीं है बेटा, वो सोचने का तरीका है, कैसे आपको सोचना है। तो देखो, सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी वेलोसिटी v1 v2 गिवन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, राइट? टोटल डिस्टेंस, ध्यान रहे, टोटल डिस्टेंस का कितना पार्ट आपका v1 से चला है, मान लेते हैं कि a बाई बी पार्ट v1 वेलोसिटी से चला है एंड c बाई डी पार्ट v2 वेलोसिटी से चला है, तो एवरेज डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस ट्रिक से। यहाँ पे पॉइंट का ध्यान देना है, ए बाई बी पार्ट होगा लेकिन आपको क्या कर देना, उसको रिवर्स कर देना है, बी बाई ए कर देना है। वैसे ही सी बाई डी पार्ट होगा लेकिन आपको रिवर्स कर देना है, डी बाई सी। और क्या करना है, ये जो रिवर्स की हो इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके वेलोसिटी में, तो ये हमने कर दिया, इनटू ऊपर में प्रोडक्ट रखना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके वेलोसिटी में, राइट? डिवाइडेड बाई इसको एडिशन में ले लेना है। बात समझ में आ गई, ये ट्रिक है, एवरेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी को अगर मैं इसी ट्रिक से सॉल्व करूं, तो ध्यान से देखो क्या हुआ है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, ध्यान से देखो तो डी है, जिसमें हाफ वी वेलोसिटी से और हाफ टू वी से। तो अगर मैं वी एवरेज निकालूं, तो ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। देखो, अपने पास क्या आया, हाफ, हाफ को हमने क्या बोला, ये ए बाई बी 1/2 फॉर्म हो गया, उल्टा करो तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, राइट? तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वी था, फिर इंटू उसके बाद वो भी बाय द वे हाफ ही है, राइट? 1/2 ही पार्ट है तो वो भी 2/1 हो जाएगा, तो 2 इंटू टू वी डिवाइडेड बाई, नीचे में कैसे रखना है, एडिशन में, तो 2 इंटू वी प्लस 2 इंटू टू वी। तो ध्यान से देखो, यहाँ से भी वही आ जाएगा, कैसे देखो, 2 to the 4 to the 8, राइट? और यहाँ से ध्यान से देखो कितना आ गया, ये 2v और 4b, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये v, राइट? तो यहाँ से ध्यान से देखो तो कितना गया, ये 4/3v, राइट? तो मेरे कहने का ये मतलब है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा, हर वीडियो लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सोचने का तरीका बताऊं। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने सोचने का तरीका बता दिया, तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कंसेप्ट को समझने के बाद, इस ट्रिक को समझने के बाद, PYQ में नीट के अगर जो स्टूडेंट होंगे तो नीट के, या JEE के होंगे तो JEE के, या CET के होंगे तो CET के, आप PYQ में इस कंसेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आया उसको चुन चुन करके क्या करो, उसका इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर मतलब समझे, जैसे PUBG खेलते हो ना, तो उसमें खोज खोज के मारते हो, तो वैसे ही आपको इस कंसेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन दिखे सबको कर दो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ध्यान रहे बेटा कि कंसेप्ट ऑलवेज रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन यही आपको आएगा ये नहीं, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा और आपको ट्रिक्स यही लगाने होंगे। तो मेरा ऑफलाइन में भी पढ़ाने का यही तरीका होता है, मैं हर क्वेश्चन को उसका कन्वेंशनल मेथड क्या है, उसको अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है, वो मैं बताता हूँ।